बहुत गुस्सा आ रहा था इनको. ठीक है यार, आई कैन अंडरस्टैंड इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू. हेल्पलेस जब आदमी फील करता है, ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, मैं घर के अंदर थी, ये घर के बाहर थे, तो कहीं ना कहीं उनको अपना फ्रस्ट्रेशन चैनलाइज करना था, तो बिना सोचे समझे गुस्से में आके उन्होंने वीडियो बनाया. मगर सलमान सर ने हमें समझाया है दोनों को कि ये गेम है, इसको घर के अंदर छोड़ के आप बाहर फिनिश इट ऑफ, इट वॉज अ गेम. घर के बाहर देखो, मैं मानती हूँ कि घर के अंदर जितने लोग हैं दिल के कोई बुरा नहीं है, वो गेम ऐसा होता है कि सबका बैड साइड बाहर निकलता है. तो अब जब मैं घर के बाहर आ गई हूँ, आई थिंक आई शुड जस्ट लीव द गेम बिहाइंड और आगे का ज़्यादा ना सोचते हो. आई थिंक वी हैव टू बी मैच्योर. सलमान सर ने यही समझाया हम दोनों को, वी अग्री विथ हिम, उनका हमने रिस्पेक्ट रखा है. सलमान सर के लिए कुछ भी. एंड अरे माय गॉड, मेरी रोटियां इतनी अच्छी बनती थी कि घर वाले लड़ते थे कि शिफाली ही रोटी बनाएगी, और उसमें क्या होता था, मैंने बोल दिया मैं रोटी बनाऊंगी और कोई काम नहीं करूंगी. तो मेरे लिए भी अच्छा था, गुजराती हूँ ना तो अच्छे गोल गोल गुजराती फुलके बनाते थे. कैमरा एंगल होता था, फुलका फूल रहा है और उधर से पहना बहुत मजा आया. मुझे लगता है कि मुझे बीबी डोमेस्टिकेटेड सर्टिफिकेट मिल गया है. अब मैं बर्तन मान सकती हूँ, मैं कपड़े धो सकती हूँ, मैं झाड़ू लगा सकती हूँ, थोड़ा बहुत खाना भी बना सकती हूँ, मैं पूरा डोमेस्टिकेट हो चुकी हूँ. आप लोग इतना सब लोग काम करते थे, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला तो दिखते ही नहीं काम करते वक्त, मतलब पूरा फ्रीडम दिखता है. एक्चुअली क्या हुआ कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि हमें पूरी सिंपैथी थी उनके साथ. अब एंड में तबीयत ठीक भी हो गई, फिर भी वो लिबर्टी ले लेते थे कि यार मेरी तो तबीयत खराब है, हम कहते थे चलो कोई नहीं तुम रेस्ट करो हम कर लेंगे. मुझे नहीं लगता फेवरिज्म है. आप जो अपना व्यक्तित्व दिखाते हो वही लोगों को बाहर दिखता है. और फैन फॉलोइंग इस बार आई थिंक हाईएस्ट रेटेड सीजन रहा है, और सभी घर वालों की बहुत ही स्ट्रांग फैन फॉलोइंग रही है. तो क्या होता है, एक वीक आप हीरो दिखते हो, एक वीक आप विलन दिखते हो, क्योंकि घर के डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं. तो कभी कभी आपको लगता है कि बायसनेस हो रही है, बट ऐसा नहीं है. सी आई थिंक वेरी स्ट्रांगली सिद्धार्थ और आसिम टॉप थ्री में तो हैं. आरती मुझे लगती है साथ में इनको आजकल, मुझे भी लग रहा है आरती इज गोइंग वेरी स्ट्रांग, और आरती मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि वो भी टॉप थ्री में आए. बट इट विल आइदर बी आरती और शहनाज. रश्मि बहुत अच्छी प्लेयर है. या बट आई थिंक आरती और शहनाज, आरती जाने वाली है, आरती और शहनाज.